तो दोस्तों तारक मेहता के लेटेस्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि गोकुल धाम में पता है क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा हंगामा होने वाला है। मैं बताता हूँ हुआ क्या है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जो हमारे टप्पू है ना, वो भीड़े को बॉल मारते हैं जब हमारे भीड़े बालकोनी में आते हैं, तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उस टाइम पे जो हमारी मादी भाभी भी है वो हमेशा की तरह टप्पू सेना को सपोर्ट करती है, वो भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। फिर हम लोग को लगता है कि ये कहानी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जो हमारे भीड़े हैं उनको सोसाइटी का कोई काम होता है तो वो सोसाइटी ऑफिस है वहाँ पे जा रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी टप्पू सेना है वो अभी भी फुटबॉल खेल रही होती है। तो लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जो हमारे भीड़े हैं वो जैसे ही ऑफिस को खोल रहे होते हैं ना, तो जो हमारा गोली है इस बार, गोली तो आप जानते हैं वो टप्पू से भी ताकतवर है, तो वो इतनी तेज से बॉल मारता है कि भीड़े को बहुत तेज लग जाती है और जो हमारा भीड़े है वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद सभी भीड़े के पास आते हैं जितने भी टप्पू सेना है वहाँ पे, और मुझे ये सीन देख के लग रहा है कि गोकुल धाम में बहुत ज़्यादा हंगामा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जो पहला जो बॉल मारा था वो हमारे टप्पू ने मारा था, और जो दूसरा बॉल मारा है वो गोली ने मारा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हमारे भीड़े हैं वो जेठाल को भी बुला सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जेठाल तुम्हारे टप्पू की वजह से हुआ। तो मुझे लगता है कि इस बार जो हमारे भीड़े हैं वो पूरे सोसाइटी से लड़ने वाले हैं टप्पू सेना की वजह से। जो भी दोस्तों ऐसे जो सीन्स होते हैं ना, ये देखने में हमें काफी ज्यादा मजा आता है। कहीं ना कहीं इसी की वजह से जो हमारा तारक मेहता शो है वो आज तक चलते आया है। लेटेस्ट एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।